Hi my beautiful friends, this is Dolly Jain and today the trick that I'm sharing with you is how to drape a sari with a dupatta. It's not the usual way, it's completely different, it's completely new और बहुत ही अलग तरह से ड्रेप किया गया है एंड आई रियली फील कि आप सबको ये ड्रेप ट्राई करनी चाहिए. इस ड्रेप में मैंने एक हैवी दुपट्टा यूज किया और एक लाइट साड़ी. जैसे आपके पास कोई भी एक बांधनी की या कोई भी ऐसी एक दुपट्टा हो जो फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड हो, उसमें जाल हो और आप नहीं चाहते हो कि उसको आप कंप्लीटली कैरी करो, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, तो आई थिंक दिस इज द राइट ड्रेप. सो लेट्स स्टार्ट. So what I've done is, I've just done my basic tuck, okay? And this is the full. I mean, it's not like बहुत सारे जन मेरे से पूछते हैं, मैम आप जब ड्रेप करती हैं तो साड़ी काट देती हैं. I mean, एक वीडियो के लिए आपको लगता है मैं साड़ी काट दूंगी? It's not like that. पूरी साड़ी है ये, 5.5 yard की साड़ी है. और अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ. इसकी प्लीट्स बनाएंगे और प्लीट्स नैरो नहीं बनाएंगे, ब्रॉड बनाएंगे, नहीं तो आप यहाँ से बहुत मोटे लगने वाले हैं जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते. सो आप ऐसे करके इनके प्लीट्स बनाएंगे. मेरी प्लीट्स जल्दी जल्दी गिर रही है ना, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी आ जाएगी. यूं और ये वाला जो पार्ट है इसको आप पूरा का पूरा अंदर डाल देंगे ऐसे. अब देख रहे हो कितनी सुंदर सी सारी पीस बन गई. अब मैं दिखाती हूँ इसको आप नेक्स्ट कैसे करते हैं. अब आपकी ये पीस बन गई एंड लुक एट द वे कितनी सुंदर सी ये गिर रही है एंड इट इज, ये बहुत अच्छा लगता है बट आपको प्लीज चौड़ी बनानी है, ये ध्यान रखना है. उसके बाद यहाँ पे हम एक पिन लगाते हैं, ठीक है? पिन लगा के सारी प्लीट्स को सिक्योर कर देते हैं. अब फॉर द टाइमिंग आप एक बार इसको यहाँ टक कर लीजिए या फिर इसको आप नीचे गिरा दीजिए. उसके बाद आप क्या करते हैं, एक दुपट्टा लेते हैं और उस दुपट्टे को आप यहाँ पे पिन करते हैं, इसको आप यहाँ पे पिन करेंगे, ठीक है? पिन करने के बाद इस वाली जो प्लीट्स है, इस पूरे प्लीट्स के हिस्से को आप यूं उठाएंगे एंड यू विल टक द एंटायर थिंग इनसाइड. लुक एट दिस. एंड इफ यू वांट आप ये पिन निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सारी प्लीट्स को आप नीटली अंदर टक कर दोगे एंड सी टू इट दैट ऑल योर प्लीट्स आर देयर नाइस एंड नीट. ये देखिए ऐसे. उसके बाद आपकी इस दुपट्टे को आप लोगे यहां से और 1, 2, 3 एंड हियर यू आर. ये देखिए और फिर शोल्डर पे एक पिन लगा लेंगे, सारे प्लीट्स को सिक्योर करने के लिए एक पिन लगा लेंगे एंड यू आर गुड टू गो. आई मीन आपके पास अगर एक भारी दुपट्टा है और एक सिंपल साड़ी है तो आई थिंक कोई भी फेस्टिव सीजन के लिए या किसी भी यू नो वेडिंग सीजन के लिए, वेडिंग टाइम के लिए, जब आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से स्टाइलाइज करें अपनी साड़ी को, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. सो जस्ट टेक दिस. आप बिल्कुल भी मोटे नहीं लगोगे, ट्रस्ट मी. आई हैव ट्राइड दिस ट्रिक अ कपल ऑफ टाइम्स एंड आई सम कंप्लीटली, आई मीन जिसने भी देखा है बहुत पसंद किया है. सो आई होप यू एंजॉय व्हाट आई डिड एंड प्लीज कीप शेयरिंग माय पोस्ट एंड आई कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग ऑल योर कमेंट्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई लव यू ऑल. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. जय हिंद.